अगर आप क्रिप्टो करेंसी में व्यापार करते हैं तो आपने जरूर हाल ही में उन खबरों को देखा होगा जिनमें भारत सरकार ने देश में क्रिप्टो करेंसी को लेकर योजना बना रही है। नमस्कार, मैं राघव जैन, कवस्टर में बात होगी आज इसी पर। भारत सरकार ने संसद में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल पेश करने का फैसला लिया। इस विधेयक के बारे में जानकारी अब तक सार्वजनिक नहीं है। यह विधेयक भारत में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को कानूनी रूप से नियंत्रण करेगा। क्रिप्टो करेंसी पर भारत के हर कदम पर दुनिया की नजर है। संसद के अगले स्तर में अगर इस विधेयक को पेश किया जाता है तो इस पर निवेशकों की करीबी नजर होगी, क्योंकि पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करना उनके लिए बेहद जरूरी हो जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीताराम साफ कर चुकी है कि सरकार की योजना क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की नहीं है। असल में सरकार क्रिप्टो करेंसी के आधार पर वाली तकनीकी ब्लॉकचेन को रक्षा कवच देना चाहती है। हालांकि 25 साल की रुचि पाल की उम्मीदें अभी भी बहुत ऊंची है और उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में ही व्यापार करने का फैसला किया। वो कहती है, मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पर प्रतिबंध लगाएगी। हाँ, वे कहे तो विनियमित जरूर करेगी लेकिन प्रतिबंध नहीं लगाएगी। मैं सोचती हूँ कि 2017 में भी ऐसा ही हुआ था जब हर कोई क्रिप्टो करेंसी पर बात कर रहा था, कुछ कार्रवाई हुई थी और फिर सब कुछ समाप्त हो गया था। इसी तरह उनको उम्मीद है कि इस बार भी सब कुछ सामान्य रूप से चल पड़ेगा। भारत सरकार जिस डिजिटल करेंसी पर विचार कर रही है उस पर वो क्या सोचती है, इस सवाल पर रुचि कहती है, यह बहुत मुश्किल चीज है। आपको शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम इसे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह अच्छा विचार है लेकिन हमें बिटकॉइन की तरह इसका स्वीकार करने में वक्त लगेगा। यह हमारी जिंदगियों पर खास असर नहीं डालेगा। भारतीय बड़ी संख्या में क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं लेकिन इसको लेकर कोई आधिकारिक डाटा नहीं है। वे पर्याप्त लाभ कमाने के मौके को छोड़ना नहीं चाहते हैं। बड़ी बात यह भी है कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले एक व्यक्ति बिना नाम सार्वजनिक किए हुए कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अगर कोई प्रतिबंध लगने वाला है तो मैं उसके होने से पहले अच्छा लाभ कमाऊं। मैं पैसा बनाने का मौका छोड़ना नहीं चाहता हूं। डिजिटल मनी निवेश के लिए एक परिसंपत्ति वर्ग नहीं है, इसमें यह अंतर है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी किसी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। यह किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में आपकी जेब में नहीं होता। यह पूरी तरह से ऑनलाइन होता है और व्यापार के रूप में बिना किसी नियमों के इसके जरिए व्यापार होता है। इसको कोई सरकार या कोई विनियामक अथॉरिटी जारी नहीं करती है। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने इस साल फिर से डिजिटल करेंसी के कारण साइबर क्राइम के मुद्दे को उठाया है। धोखाधड़ी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। 2018 में RBI में क्रिप्टो करेंसी के लेन देन का समर्थन करने को लेकर बैंकों और विनियमित वित्तीय संगठनों को प्रतिबंध कर दिया है। लेकिन मार्च 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने RBI के प्रतिबंध के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा था कि सरकार को कोई निर्णय लेते हुए इस मामले पर कानून बनाना चाहिए। पिछले महीने RBI ने एक बार फिर से कहा था कि भारत की खुद की क्रिप्टो करेंसी को लाने और उसको चलन को लेकर विकल्प तलाश रही है। सरकार के भविष्य के फैसले को लेकर एक नजरिया यह भी है कि बेहद ही निर्णायक होगा कि भारत में इस मुद्रा को कैसे इस्तेमाल होगा। सरकार के साफ किया है कि क्रिप्टो करेंसी को रखने वालों को इसे बेचने के लिए वक्त देगी। इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है कि कितने भारतीयों के पास यह करेंसी है और कितने लोग इसको इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं। खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।